एक हुक वाला रैक दिया गया, तो इसमें कैसे कैसे सजाया हुआ, क्या प्रोडक्ट लगाए हैं वो देखते हैं। जैसे टूथब्रश लगाया सर ने, ठीक है, तो मॉर्निंग डिस्प्ले करनी चाहिए ताकि सेल बढ़ जाए, उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे काउंटर के जस्ट पास में है ना, एक हुक वाला रैक दिया गया, तो इसमें कैसे कैसे सजाया हुआ, क्या प्रोडक्ट लगाए हैं वो देखते हैं। जैसे टूथब्रश लगाया सर ने, ठीक है, तो मॉर्निंग में टूथब्रश चाहिए होता है, और साथ ही साथ कई कस्टमर शैम्पू भी खरीदते हैं। तो शैम्पू जैसे खरीदते हैं ना, लड़ी आप टांगिए, कई बार आपने शॉप पर देखा होगा जैसे लड़ी का कोई पैकेट ऐसे ऐसे खोलते हैं, कस्टमर मना कर रहते हैं कि मेरे को पूरे 10 पीस नहीं चाहिए या 12 नहीं चाहिए, तो वो एक यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो इससे ना आपका जो सामान है ना इधर उधर फैलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर सॉक्स वगैरह के आइटम भी आप रख सकते हो, और जैसे ये सुबी है जैसे किचन में यूज होती है, तो ये आइटम भी काफी बिकती है। और जैसे छन्नी कहते हैं ऐसे, ऐसी आइटम हो गई, अंडरगारमेंट्स की आइटम हो गई, छोटी मोटी आइटम्स है ना, चक्कू हो गया या लाइटर है, तो वो सारा सामान है ना एक जगह आ गया है, ये टांगने वाला डिस्प्ले एक जगह हो गई। तो इससे है ना एक तो विजिबिलिटी अच्छी होती है, जितनी विजिबिलिटी अच्छी होगी उतनी सेल आपकी बढ़ेगी। फिर आ जाते हैं किड्स का सेक्शन है ये, जैसे बच्चे है ना टॉफी वगैरह खाते हैं, तो इनका है ना बास्केट में बना दी गई है इसके यहाँ पर, तो बास्केट में आप अपना सामान डिस्प्ले कर सकते हो। और जैसे ये बॉक्स है पर की चॉकलेट है, तो ये डायरेक्ट बॉक्स कंपनी से आता है, तो ऊपर से खोल दो इसे और ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो आप। ये तीसरा रैक है शॉप का, इस तीसरे रैक में क्या रखा हुआ है वन बाय वन देखते हैं। सबसे ऊपर चॉकलेट के डब्बे हैं, जैसे कोई त्योहार वगैरह होता है तो कस्टमर खरीद के तो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। सर्दियों का टाइम है इस वजह से यहाँ पर गज्जक डिस्प्ले कर दी गई है, तो फ्रंट के पास ही होना चाहिए। और इसमें नीचे है ना रेवड़ी भी रख दी है हमने। अब आते हैं सेकेंड रैक में। सेकेंड रैक में है ना यहाँ पर देखिए मूंगफली की भी काफी सेल होती है, जैसे सीजनल आइटम है, सीजनल आइटम है ना हमेशा काउंटर के पास रखना। उसके बाद ऊपर बास्केट बना दी गई है किड्स के सेक्शन की, चॉकलेट वगैरह, और यहाँ पे गज्जक आ गई, और ऊपर टॉफियों के पैकेट आ गए, जैसे किसी का बर्थडे वगैरह है तो उस पर लोग पूरा पैकेट ही खरीदते हैं। अब हम आते हैं पांचवे रैक पर, इसमें भी कैंडीज ऊपर रख दी गई है, किड्स के लिए ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि बच्चे काफी शॉपिंग करते हैं। पूरा सेक्शन किड्स का है ये पूरी लाइन। यहाँ थोड़ा सा मिक्स आइटम में डाल दिया है, नमकीन वगैरह डाल दिए हैं, जो लोकल ब्रांड होते हैं उनके नमकीन यहाँ डाल दिए गए हैं। फिर आते हैं हम छठे रैक पर, ये कैंडीज है, जैसे ये ना गुम हो जाती है या गिर जाती है इधर उधर, तो इसके लिए भी है ना एक बॉक्स के अंदर पार्टीशन डाल दिया, ये गत्ते का डब्बा काटा और ऐसे लगा दिया, जिससे ना दोनों सेपरेट हो गए। इसकी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। और अब आते हैं फ्रंट पे, फ्रंट पे एंड कैप रैक है, इस पे है ना काजू के डिस्प्ले करना और बादाम की, क्योंकि काउंटर पे जब बिल कर रहे होते हैं कस्टमर, तो ये महंगी आइटम उस टाइम पे दिखती रहनी चाहिए उन्हें, सबसे ज्यादा इसमें मार्जिन होता है, तो ऐसी आइटम आपको फ्रंट पे रखनी है। अब जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, अब यहाँ पे विजिबिलिटी है, जैसे अब आप देखोगे जैसे साबुन कोई खरीदता है तो पाउडर भी खरीदेंगे, तो एक साथ ये सारी चीजें होगी, ऑयल भी लेंगे, तो ऐसी आइटम एक साथ कर दी हमने सारी। इसमें साबुन है तो सारी वेराइटी है, लाइफ बॉय है, फिर जो का साबुन आ गया, फिर ग्लोरी का आ गया, इस तरीके से चलते जाएंगे, सुपीरिया का आ गया, तो कस्टमर को है ना आसानी से चीजें मिल जाएंगी कहाँ पर क्या रखा है। यहाँ नीचे साबुन है, इसके ठीक ऊपर है ना शैम्पू रखा हुआ है, तो इसकी सारी वैरायटी लगी हुई है ऊपर। अब ये लगाना कैसे है, जैसे ये वन पीस है, इसके पीछे है ना जैसे 1 2 3 4 5 6 लगा दिया। अगर कोई प्रोडक्ट नियर टू एक्सपायरी है ना उसको आगे रखना ताकि वो पहले बिक जाए, और ये जाली स्टॉपर लगा होना चाहिए ताकि सामान नीचे ना गिरे। ये 42 है और ये 62 रुपीज की है, तो कस्टमर का जैसा बजट होगा वो वैसा खरीदेंगे, तो आप एक कम प्राइस वाला और एक उससे हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट दोनों एक साथ रखना। जैसे ये देखो बड़े साइज के हैं ये, फिर ये छोटे साइज के भी हैं, और छोटे साइज के भी हैं, और छोटे साइज, जैसा बजट है वैसा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन लाइन में लगा होना चाहिए। इसके भी देखो आप कितने सारे पैकेट लगा सकते हो, ये डिब्बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिब्बी लगी हुई है इसमें। फिर लड़कियों के लिए तो क्रीम है, फिर वहीं पे बॉयज की भी रख दी, ताकि हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं शॉपिंग करने वो एक साथ ही कर लें, उनको भी दोनों को एक साथ प्रोडक्ट मिल जाए। फिर जॉनसन बेबी है, उनके बेबीज के जैसे घर में बच्चे होते हैं सबके, तो उनके लिए भी वैरायटी है, जैसे छोटी छोटी डिब्बी भी होनी चाहिए, बड़े साइज की भी, अलग तरह का रेट, जैसे 165 की है मान लो, ये 100 की है, तो वो डिफरेंस जरूर देना चाहिए प्राइस का, एक साथ ही रखना चाहिए ताकि कस्टमर अपने बजट के अकॉर्डिंग आपसे सामान सारा परचेज करे। अब इसी लाइन के सामने की बात करते हैं, यहाँ पर है ना डिओड्रेंट की पूरी वैरायटी है, तो यहाँ डिओड्रेंट है और नीचे मेहंदी की आइटम होगी और लेडीज का कॉस्मेटिक का सामान हो गया,
तो जैसे लेडीज आएंगी उसमें टिका सामान ले रही है, कन्फर्म है वो मेहंदी वगैरह भी खरीदेंगे अगर कोई त्योहार वगैरह है तो।